हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा जिला प्रशासन को अवैध खनन के विरुद्ध सख्ती से निपटने के आदेश मिलने के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। शुक्रवार देर रात डीसी ऊना खनन माफिया को खदेड़ने खुद फील्ड में उतरे। इस दौरान डीसी ऊना के साथ एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान, खनन विभाग के कर्मी और भारी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। डीसी जतिन लाल ने रात करीब 11 बजे इस अभियान को शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले पुलिस और खनन विभाग की टीम ने खानपुर की स्वा नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी ने पुलिस और खनन विभाग की टीमों को अवैध डंपिंग करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। जैसे कि आज हमारे जो माननीय मिनिस्टर साहब भी आए थे और अब क्लियर जो इसमें हमें माइनिंग को रोकने की जो दिशा निर्देश दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, अब हमें खुद अपने हाथों में इसको लेना पड़ेगा और जो अभी तक माइनिंग और सब जो केसेस थे उनको भी देखना, और आगे से हमने ये इंश्योर करना है कि माइनिंग का पूरी तरह से ऊना में बिल्कुल ज़ीरो माइनिंग हमने इंश्योर करवानी है। तो इसके चलते अब आज से ही ये मुहिम मैंने खुद हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब अपने हाथ में लेगा और किसी भी तरह की कोई भी माइनिंग अब इलीगल जो भी होगी वो अलाउड नहीं की जाएगी किसी भी हाल में। तो आज इसके चलते हमने जो मेन हमारे फतेहपुर, खानपुर और घालूवाल के जो मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पे जो है डंप्स लगे हैं उनके सबके लैंड ओनर्स जो कल हमने एफआईआर करी थी, उसके अलावा आज 3-4 और ऐसे डंप्स हमें मिले हैं जिनकी कल हम एफआईआर करवाएंगे, और जो भी व्हीकल वगैरह की जो मूवमेंट है उनके भी जो केस बनते हैं जो भी एनवायरमेंटल कंपनसेशन के हिसाब से या माइनिंग एक्ट के हिसाब से स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी और गाड़ियां इंपाउंड की जाएंगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि अब किसी भी तरह की कोई भी इलीगल माइनिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट में ना हो। तो सारे डिपार्टमेंट्स को, हमारे सारे जो कंसर्न हैं और जितने भी हमारे एसडीएम्स हैं, इसको पर्सनली अब चेक करेंगे और हर कुछ दिन में हमारी इंस्पेक्शन होगी। मैं खुद भी इंस्पेक्शन करूंगा, एसपी साहब भी मेरे साथ इंस्पेक्शन किया करेंगे और ये इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरह की कोई भी इलीगल माइनिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट में ना हो। बता दें, ऊना जिला में अवैध खनन के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है। साथ ही डीसी ऊना ने ये भी साफ कर दिया है कि अब अवैध खनन के ठिकानों पर आने वाले वक्त में दबिश दी जाएगी और इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सूर्य समाचार के लिए ऊना से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।